लोकसभा के तीन चरणों ने भाजपा को इतिहास बना दिया। वोटिंग खत्म होते ही अखिलेश ने किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हुआ। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग खत्म होते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि तीन चरणों ने भाजपा को इतिहास बना दिया है। मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। यूपी की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख मायावती की उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। मायावती ने कहा मूवमेंट के व्यापक हित से पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से उन्हें दोनों पदों के अहम जिम्मेदारी पद पर से हटाया जाता है। भगोड़े नीरव मोदी को यूके कोर्ट से बड़ा झटका। पांचवी बार खारिज हुई जमानत याचिका। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड और भगोड़े नीरव मोदी को यूनाइटेड किंगडम की एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीरव मोदी ने लंबी कैद का हवाला देते हुए 16 अप्रैल 2024 को यूके में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पांचवीं बार जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन 7 मई 2024 को सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया गया और वह अभी भी हिरासत में है। विवादों के बीच मालदीव ने लगाई गुहार, हम पर्यटन पर निर्भर हैं, भारत के लोग आएं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के साथ मिलकर भारत को आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब चौपट होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए मालदीव ने भारत से आग्रह किया है कि उनका देश पर्यटन पर निर्भर है, इसलिए भारत के लोग मालदीव आएं। यह बयान मालदीव के पर्यटन मंत्री की तरफ से उस समय आया जब भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं। बीमार माँ के लिए केकेआर का छोड़ा था साथ, अब वापसी के लिए तैयार हैं गुरबाज। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों वो अपना मुल्क अफगानिस्तान चले गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी माँ बीमार थी। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें रहमानुल्लाह ने नाइट राइडर्स के साथ जल्द जुड़ने की बात कही है। आज की दूसरी बड़ी खबरें देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें।